नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो यूएसए है वो हर चीज़ वो कर रहा है मोदी जी की गवर्नमेंट को घेरने के लिए। अब तो रशिया ने भी हमें बोल दिया कि अमेरिका पूरी कोशिश में लगा है आपकी गवर्नमेंट को घेरने के लिए। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको हैरान कर देगी, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना कि क्योंकि ये सारा कुछ हमारे आसपास अभी हो रहा है और पहले भी क्या कुछ हुआ था उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी लाइट डालूंगा और क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा हल्का सा, जो मेरी हल्की सी समझ मुझे बताती है। मोदी जी आज की डेट में बड़े लोग बोलते हैं, चुप रहते हैं, किसी चीज़ का जवाब नहीं देते, क्योंकि तो मोदी जी को मालूम है कि सामने क्या आने वाला है, अमेरिका क्या कर रहा है। और यही रीज़न है कि मोदी जी जो पहला विजिट किया उन्होंने तीसरे टर्म में वो रशिया का किया, अमेरिका को बताने के लिए, आई नो वॉट यू ट्राइंग टू डू, तुम पिछले 100 सालों में क्या करते जा रहे हो जिसके बेसिस पे तुम सुपर पावर बन गए और तुम आज मेरे देश के खिलाफ भी यही काम करने वाले हो। इसलिए मैं जो मेरा सबसे पुराना दोस्त है उसके साथ जाकर खड़ा हुआ हूँ, वो है रशिया। और अमेरिका, अमेरिका ने दोस्तों पिछले 100 सालों में किया क्या, कंट्रीज़ को तोड़ा, बर्बाद कर दिया, जिसने इसको आँख दिखाई। जापान ने थोड़ी सी आँख दिखाने की कोशिश करी, ख़त्म कर दी। यूएसएसआर था, चैलेंज किया, उसे 17 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया। इराक में सदाम हुसैन था, उसने सर उठाया, उसे ख़त्म कर दिया ये बोलकर कि इसके पास तो मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एक गोली तक नहीं मिली वहाँ पर, लेकिन किसी ने उफ नहीं करी। चाइना ने आंखें दिखानी शुरू करी अमेरिका को, पिछले 2-3 सालों में उसके पीछे लग गया। और अभी भारत राइज कर रहा है और जगह जगह पर एक बात आती है कि हम तो अमेरिका से भी तेज़ी से आगे जा रहे हैं, अब उन्होंने भारत के भी पर काटने शुरू कर दिए। और अब देखिए पिछले 100 सालों में अमेरिका के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही दुनिया को डोमिनेट क्यों करते हैं। अब दुनिया के टॉप 10 बिजनेसेस को ले लीजिए, आपको 8 या 9 हमेशा अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट दिखता है, कोई और उसके आसपास भी फर्क नहीं पाता। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? चाइना का जैक मा का नाम सुना होगा, वो दुनिया का 3rd या 2nd बिगेस्ट बिजनेसमैन बन गया था। पूरी दुनिया की लॉबी इकट्ठी हो गई, उसके पीछे पड़ गई, उसे अपनी कंट्री छोड़कर भागना पड़ा। यानी कि जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इंडस्ट्री वो भी है, और इसीलिए वो पूरे दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है अपने कंट्रोल में रखते हैं इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे और अपने बिजनेस के दम पर। और अगर किसी और कंट्री का इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको लगता है कि ये ऊपर आ रहा है, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट को चैलेंज कर सकता है, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चना शुरू कर देते हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़त्म करने के लिए। आप सोच के देखिए पिछले 3-4 सालों में भारत का ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्हें घेरने की ये कोई कोशिश नहीं छोड़ते। नाम है अडानी। अडानी पिछले 2 सालों में आपने सुना है कि वो दुनिया के 2nd लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। क्या वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अमेरिका में छपी, उनके खिलाफ सबूत एक भी नहीं, और पूरे दुनिया का जो एक इकोसिस्टम है वो लग गया इनको घेरने के लिए, क्योंकि तो उन्हें मालूम था कि अगर भारत का एक इंडस्ट्रियलिस्ट नंबर 1 बन जाता है तो पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, अमेरिका छोड़ देंगे। ऊपर से मोदी जी ने सेपा शुरू कर दिया मेक इन इंडिया का, ये एक ऐसा कैंपेन था जिसके कारण पूरे दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भारत में आना चाहते हैं। ऊपर से भारत की मार्केट बहुत बड़ी है, अगर भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा तो अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये अरब वर्ल्ड ये तो बर्बाद हो जाएंगे, और हमारा जो रुपया है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, अमेरिका की दादागिरी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम UPI की बात करते हैं, हम कहते हैं कि डॉलर में हमने काम ही नहीं करना। इसीलिए भारत को तोड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, लॉबिंग शुरू कर दी है, और देश के अंदर भी गद्दारों की कमी नहीं है, मीडिया हमारा बिका हुआ है। अब अगर आप देखेंगे मीडिया कभी भी भारत की फेवर की कोई भी आज न्यूज़ नहीं दिखाता 4 जून से। YouTube, Facebook, Google, Twitter, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन हैं और वो जो कैंपेन चलाना चाहते हैं वही चलता है। मोदी जी के खिलाफ आपको हजारों वीडियो दिखती हैं हर रोज़ की,
और मोदी जी की फेवर की जो वीडियो होती है वो चलती ही नहीं है, व्यूअरशिप आती है 5,000 4,000, इससे ज़्यादा नहीं आती। लेकिन मोदी जी के खिलाफ जो वीडियोस हैं उसके एक एक घंटे में 10 लाख व्यूज़ हैं, प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि देश के अंदर बेवकूफ़ों की, ये जो चाटुकार हैं, गद्दारों की कमी नहीं है। क्या ये काम चाइना में कर सकते हैं? कोशिश भी करेंगे तो भी होता नहीं है, वहाँ पर ये अपने प्रोपेगेंडास को स्प्रेड ही नहीं करने देते, हो ही नहीं पाता। क्यों? चाइना ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सारा कुछ जो अमेरिकन कंट्रोल का है उसे बैन किया हुआ है, और चाइना कभी भी इनकी दादागिरी को यहाँ पर स्प्रेड नहीं होने देता, इनकी गंदगी को स्प्रेड नहीं होने देता अपनी कंट्री में, और इसीलिए अमेरिका तड़प रहा है। और क्या कर रहा है? भारत को चैलेंज करना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका आज की डेट में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है एक ही काम के लिए। किसके लिए? कि भारत में आग लगाई जाए। अभी उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था वो ओवासी को मिला है, क्या वहाँ पे वो भाईचारा की बात कर रहे हैं? करने के लिए मीटिंग किया था, मीटिंग किया था कि भारत में आग कैसे लगाई जाए। वर्क बोर्ड को ख़त्म करने की बातें बोल रहे हैं, कोई भी मुद्दा पकड़ लीजिए आग लगा दीजिए। और अमेरिका ने, आपको याद होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए थे तालिबान को खड़ा करने के लिए, रशिया के खिलाफ लड़ाई के लिए। और इसलिए अमेरिका के लिए भारत के अंदर जो 30 करोड़ जिहादी हैं इनको एक्टिवेट करना और भारत में आग लगाना, भारत को डिस्टेबलाइज करना कोई बड़ा काम नहीं है। बिना पैसा खर्चे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत देश में, मैं पहले बोला आपको, गद्दारों की कमी नहीं है, जिहादियों की कमी नहीं है। और आप स्टेटमेंट देख लीजिए हमारे जो लीडर्स हैं उनका, ओपनली वो फॉरेन के एजेंट दिखते हैं आज की डेट में। हमारे जो करप्ट जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चंद्रचूड़, ये बिकाऊ है, आपको मालूम है इसके तो कोर्ट के ऊपर लिखा है मेरा आज का रेट क्या है। पहले तो कोर्ट के बाहर लिखता था, अब तो उसने कोर्ट के अंदर ही लिखना शुरू कर दिया मेरा आज का रेट ये है। यानी कि सारे के सारे जजेस बिकाऊ हैं, मीडिया बिकाऊ है, लीडर तो हमेशा ही सेल पे भारत में लगे ही रहते हैं। यानी कि अब भारत को बचाएगा कौन? अमेरिका लगा है इस देश के टुकड़े करने के लिए, हमारे अंदर के लोग हैं वो टुकड़ा करने चाहते हैं भारत के, कौन करेगा? क्या मोदी जी भारत को बचा सकते हैं? क्या मोदी जी का जो सपना है कि भारत को मैंने सुपर पावर बनाना है, ये पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता जब तक आप सब स्मार्टली इन सारी चीज़ों को नहीं देखते। मैं आपको हर रोज़ उजागर करता हूँ इन चीज़ों का, भाई भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी दुनिया को हमारी मार्केट की ज़रूरत है, मेक इन इंडिया कामयाब होता जा रहा है, और हर चीज़ के लिए हम उनको डिफीट करते जा रहे हैं, इसलिए उनके पिछौड़े में आ गए। सिर्फ एक ही काम करना है आपको, अपनी गवर्नमेंट के पीछे खड़े होना है, और किस तरीके से हम गवर्नमेंट को आगे लेके जा सकते हैं, कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करना है। ये जो सारी पावर्स हैं ये चाहती हैं कि भारत में कठपुतलियों की सरकार रहे, जिस तरह से वो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी 10 साल, क्या किया? करप्ट गवर्नमेंट थी, सारी पॉलिसीज, रूल्स, लॉज वही बनाए गए जो अमेरिका चाहता था। यहाँ पर ये तो पैरों में लौटते थे उनके, राहुल गांधी तो अपने कुर्ते के साथ उनके बूट साफ करता था, और इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर दोबारा से राहुल गंदगी जैसी गवर्नमेंट आ जाए, ताकि चाइना बोलेगा कि अरुणाचल हमें दे दो, ले लो जी साडा की जाता है, राहुल गांधी पहले दिन दे देगा। अमेरिका बोलेगा कि हमारे बिजनेसमैन को फ्री छूट मिलनी चाहिए मेरे इंडिया में, ले लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस मेरी गवर्नमेंट को गिरने मत दो। लेकिन पिछले 10 सालों में एक ही काम हुआ, वही कंट्री है, वही गरीब कंट्री आज स्टेबल भी है, स्ट्रांग भी है, सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने देश के लिए स्टेप्स लिए हैं, अपनी जेबें भरने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया। इसलिए देश भी खड़क रहा है, चाइना को और अमेरिका को, और मोदी भी खड़क रहा है। और मोदी जी ने क्या किया? देश को भी स्ट्रेंथन किया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी स्ट्रेंथन किया, और यही चीज़ है जिसको अमेरिका काटना चाहता है, कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं भारत के, वो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आगे निकल जाए और देश को स्ट्रेंथ दे, ये वो नहीं देखना चाहते, इसलिए यहाँ पर वो गवर्नमेंट को घेरना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज़ बताइए, आज अदानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा, ये सारे लोग दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, आइए हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। पर हमारे देश में गद्दार जो हैं वो इन्हीं लोगों के पीछे पड़े हैं। कभी आपने देखा
कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके पीछे अमेरिकन पड़े हों, चाइनीज हैं चाइनीज के इंडस्ट्रीज के पीछे कंट्री पड़ी हो, कभी भी सुना नहीं है, क्योंकि उनके पास जयचंदों की नामो निशान भी नहीं है। और हमारे यहाँ पर ये जो सांप है, जहरीले सांप हमारे घर घर में पाए जाते हैं, जिन्हें खुशी मिलती है जब भी कोई एंटी इंडिया चीज़ होती है। कोई भी आप देख लीजिए मीडिया में कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी होती है, ये भंगड़े डालते हैं, उसे उछालते हैं। लेकिन हमारी फेवर की अगर कोई भी न्यूज़ आती है, ये बोलते हैं यार ये तो पेड न्यूज़ है, उसे पेड़ बोल देते हैं। ये है हमारे देश का जिसको बोलते हैं DNA, और इसी को यूज़ कर रहा है अमेरिका हमारी गवर्नमेंट को घेरने के लिए, और वो घेर के ही छोड़ेंगे। मीडिया बिका हुआ है, लीडर बिके हुए हैं, और हम बेबस हैं, दिखते हैं बेबस, लेकिन मैं बेबस नहीं हूँ दोस्तों। आप बेबस हो सकते हो, मैं नहीं हूँ। मैं हर रोज़ ये वीडियोस बनाता हूँ आपको उजागर करने के लिए कि क्या हो रहा है हमारे खिलाफ और इसको ठीक करने का तरीका क्या है। हम अमेरिका को डिफीट कर सकते हैं जिस दिन हम सारे इकट्ठे मिलकर कंट्रोल करेंगे अपने देश को और उसे आगे लेके जाने की बात करेंगे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मानता हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, गवर्नमेंट तक मैं बातों को पहुँचाता हूँ। सिर्फ एक ही काम करना है, तो अपने प्रधानमंत्री और अपने कंट्री के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा बच सकता है और हमारी अगली जनरेशन एक विकसित भारत में जन्म लेगी। और जो सपना हमने कभी देखा भी नहीं था कि भारत विकसित हो सकता है, वो हमारी जो अगली जनरेशन है उसको एंजॉय करेगी, देखेगी भी एंजॉय भी करेगी। उसके लिए आज अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने देश के साथ खड़ा होना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।